दोस्तों आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और YouTube बेल आइकॉन दबाकर पाए दुनिया की सारी रोचक खबरें फटाफट। सेक्रेट गेम्स में गणेश गायतोंडे का किरदार निभा रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर उनके पीएम बनने, बोफोर्स घोटाला, ट्रिपल तलाक से जुड़े शाहवानों केस को लेकर टिप्पणियां की हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सेक्रेट गेम्स में अपने पिता राजीव गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणियों को लेकर प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में पिता के खिलाफ कही गई बातों को राहुल ने अभिव्यक्ति की आज़ादी करार देते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इसे सेंसर करने की आवश्यकता है। राहुल ने ट्वीट किया, मेरे पिता देश के लिए जिए और देश के लिए ही उन्होंने अपनी जान दे दी। किसी काल्पनिक वेब सीरीज के किसी किरदार की उनके बारे में क्या राय है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, बीजेपी और आरएसएस को लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर नियंत्रण जरूरी है। मुझे लगता है कि यह आज़ादी मूलभूत लोकतांत्रिक अधिकार है। बता दें कि सेक्रेट गेम्स में गणेश गायतोंडे का किरदार निभा रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर उनके पीएम बनने, बोफोर्स घोटाला, ट्रिपल तलाक से जुड़े शाहवानों केस को लेकर टिप्पणियां की हैं। इस वेब सीरीज में इमरजेंसी और उस दौरान हुई नसबंदी को लेकर भी टिप्पणी की गई है। वेब सीरीज के रिलीज होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शो के निर्माताओं और अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस वेब सीरीज में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और सैफ अली खान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। ऐसी ही और रोचक खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।